क्यूआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में चल रही एमबीए कार्यशाला में छात्र छात्राओं को टैबलेट एवं सर्टिफिकेट वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीएम सिटी राजेंद्र सिंह सेंगर रहे, साथ ही सम्माननीय अतिथि के रूप में सौरभ गुप्ता एमडी व सीईओ अंशुल फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इसके बाद सभी एमबीए फाइनल ईयर के छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा टैबलेट वितरण किए गए, जिससे विद्यार्थियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह सेंगर ने अपने वक्तव्य में कहा कि आधुनिक समय में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस तकनीक द्वारा छात्र कक्षा में ही नहीं वरन बाहर भी शिक्षकों के साथ संपर्क बनाए रख सकते हैं। प्रोफेसर जैन ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कैसे टैबलेट के माध्यम से आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। कौन से महाविद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये आज हमारा टिमिट कॉलेज में एमबीए कॉर्पोरेट के प्रोग्राम का टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे वह राजेंद्र सिंह जी सेंगर साहब हैं, जो कि एडीएम सिटी मुरादाबाद हैं, साथ ही एंटरप्रेन्योर सौरभ गुप्ता जी जिन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर की भूमिका निभाई। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को टैबलेट देना था, जिसमें सारा स्टडी मटेरियल है, जिससे बच्चा आज के डिजिटल युग में पढ़ाई कर सके और प्रॉपरली आगे बढ़ सके। मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का ये रहता है कि इसमें हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। 50% टीचिंग यूनिवर्सिटी टीचर्स के द्वारा कराई जाती है और 50% टीचिंग कॉर्पोरेट ट्रेनर्स के द्वारा कराई जाती है। जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप है वो हम मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही साथ वो जैसे ही कोर्स कंप्लीट करता है मार्केट में जाकर अपना फर्स्ट डे से काम स्टार्ट कर सके, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने इस कोर्स का प्रारंभ किया है। 2014 से लगातार ये कोर्स चल रहा है और मेरे को बड़ा हर्ष हो रहा है कि अभी फोर्थ सेम इनका शुरू हुआ है और लगभग सभी बच्चों की जॉब्स लग चुकी हैं। कुछ बच्चों की जॉब्स तुरंत लगी है और कुछ को जून में जाकर ज्वाइन करना है, तो मैं उन सभी बच्चों को विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ। कितने बच्चों को दिए गए हैं टैबलेट? ये टैबलेट आज 22 बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसमें पूरा स्टडी मटेरियल है, जो कि बच्चों को जो आज इंटरनेट के माध्यम से जो लर्निंग हो रही है, जो यूट्यूब के माध्यम से जो लेटेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट प्रोफेसर्स के वर्ल्ड लेवल पे, वो सब हम बच्चों को बताते हैं, जिससे कि बच्चे इन टैबलेट के माध्यम से सीख सकें और इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन प्राप्त कर सकें।